find all the points of discontinuity of fx defined by. अब यहाँ पे एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एक्स जब नेगेटिव थ्री से छोटा है या उसके बराबर है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री. जब एक्स जो है नेगेटिव थ्री से थ्री के बीच में है तब उसकी वैल्यू है नेगेटिव टू एक्स के बराबर, और जब एक्स की वैल्यू तीन के बराबर या उससे ज़्यादा होती है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिक्स एक्स प्लस टू हो जाती है. तो हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया और अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है. तो एक बार पहले तो जल्दी से ये समझ लेते हैं कि फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने का आखिर मतलब होता क्या है. जैसे कि मान लीजिए ग्राफिकली देखते हैं, कोई एक फंक्शन मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं जिसका ग्राफ कुछ मान लीजिए ऐसा हो जाता है. अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारे पॉइंट्स पे क्या ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस लग रहा है, ये तो हर जगह एकदम लगातार इसका फ्लो दिख रहा है, जहाँ जहाँ भी हम एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू देख रहे हैं हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मिल जा रही है, ऐसा हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये फंक्शन कहीं टूटा हुआ है या फिर इसकी वैल्यू अलग से आ जा रही है, कुछ एकदम अलग से ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऐसा ये जो कर्व होगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन का हो जाएगा. हाँ, अब इसके आगे क्या होता है वो हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम इतने दूर में तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस ज़रूर होगा. मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता, ये मान लीजिए कुछ ग्राफ है, तो क्या ये जो फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये डिसकंटिन्यूअस होगा? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो एकदम एग्जैक्टली हर जगह हमने इसको प्रॉपरली कंटिन्यूअस बनाया है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा. क्योंकि मान लीजिए जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ फंक्शन का, तो मुझे कहीं भी अपने पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. मान लीजिए ये कुछ ऐसा कुछ रैंडम हमने ग्राफ बना दिया, ऐसा यहाँ भी हमने पेन कहीं नहीं उठाया इसके ग्राफ को बनाने के लिए, तो ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस हो जाएगा. मान लीजिए अगर मैं अब ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, हमने पहले यहाँ से शुरू किया और फिर यहाँ पे चले गए, ऐसा कुछ. अभी भी मैंने पेन तो नहीं उठाया कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ किया और फिर यहाँ से यहाँ कर दिया, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा. हालांकि बीच में यहाँ पे एक शार्प टर्न आ रहा है, लेकिन उससे हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें बस यही देखना है कि कहीं भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए. तो ये लगातार ऐसे फॉर्म हो रहा है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. अब मान लेते हैं कि हम कुछ ऐसा केस ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पर आ गया, और फिर इस पॉइंट से फंक्शन यहाँ पे टूट गया और फिर मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी और फिर फंक्शन कुछ यहाँ से ऐसा कुछ डिफाइन हो गया. मान लेते हैं कुछ ऐसा रैंडमली डिफाइन हो गया फंक्शन, तो क्या ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूअस होगा? तो मुझे नहीं लगता. हालांकि ये सारे पॉइंट्स पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर हम इस एक्स वैल्यू के यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे मुझे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ गई इसको ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे मैं पहुँचा, लेकिन इसके बाद जो वैल्यू आई एफ ऑफ एक्स की वो डायरेक्टली यहाँ से शुरू हो गई, तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस रहा ही नहीं. तो यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये, और अगर इसे मान लीजिए हम कुछ एच ऑफ एक्स से डिफाइन कर देते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. और किस पॉइंट पे? इस वाले x की वैल्यू के लिए यहाँ पे. या फिर मान लीजिए एक केस यहाँ पे और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे से यहाँ पे ऐसे आ गया और फिर यहाँ पे ओपन कर देते हैं, यहाँ से ग्राफ यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आ गई और फिर यहाँ से ओपन करके यहाँ पे ग्राफ ऐसे चलता गया, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? तो यहाँ से यहाँ तक आने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही फंक्शन यहाँ पे पहुँचा इस मान लीजिए इस x की वैल्यू के लिए, यहाँ पे मान लीजिए कि इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव टू है, यहाँ पे x ज़ीरो है और यहाँ पे वैल्यू है y की वैल्यू यहाँ पे टू है इस x मान लीजिए इक्वल टू फोर पे. तो जैसे ही x फोर पे आएगा f ऑफ फोर की कितनी वैल्यू है, f ऑफ फोर की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो के बराबर, क्योंकि x की जो फोर है यहाँ पे क्लोज्ड है तो वो तो ज़ीरो के बराबर है. लेकिन जैसे जैसे हम फोर की तरफ बढ़ रहे हैं जो फंक्शन है वो तो नेगेटिव टू की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू फोर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट वो तो नेगेटिव टू के बराबर है, और राइट हैंड लिमिट की भी बात करें तो राइट हैंड की जो वैल्यू है राइट की तरफ से फंक्शन टू को अप्रोच कर रहा है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर प्लस राइट हैंड लिमिट ये तो पॉजिटिव टू के बराबर है। तो यहाँ तो सारे लिमिट्स की वैल्यू ही अलग अलग हो गई, और ये यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो ऐसे फंक्शन को भी हम यहाँ पे इस एक्स इक्वल्स टू फोर पे इसको डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। तो फिर इसको मैथमेटिकली समझने का क्या तरीका होगा, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। अब अगर मुझे एक फंक्शन मान लीजिए कुछ एच ऑफ एक्स दिया हुआ है और मुझे बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, उप्स, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे। तो मान लीजिए इसके डोमेन में मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ सी, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके डोमेन में कहीं भी एक पॉइंट ले लिया सी, जहाँ कहीं भी ये डिफाइन होगा। अब अगर उस पॉइंट सी पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स, अगर ये राइट हैंड लिमिट के बराबर होता है, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एच ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू अगर एच ऑफ सी के बराबर होती है, अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं, तब जाके हम बोल लेंगे कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ होती है, मान लीजिए कि ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए लेकिन एच ऑफ सी के बराबर नहीं है, या फिर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एच ऑफ सी के बराबर हो गया लेकिन वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, कुछ भी अगर इनमें से बराबर नहीं होगा तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल पे हम वापस आते हैं और इससे देखते हैं कि आखिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहला केस यहाँ पे लेते हैं, केस 1। अब इस केस में हम एक पॉइंट सी ले लेते हैं जो कि -3 से छोटा होगा, यानी कि ये पहला केस। तो अगर ये पॉइंट सी जो है, जो कि एफ ऑफ एक्स के डोमेन में लाई कर रहा है, और अगर वो -3 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, यानी कि एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी। तो सी तो हमेशा -3 से छोटा होगा, यानी कि ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। फंक्शन को डिफाइन किया गया है मॉड ऑफ x+3 से, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x+3, क्योंकि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव हमें पॉजिटिव दे देंगे, तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा -c+3 के बराबर, एफ ऑफ सी की वैल्यू। तो ये तो एक लीनियर फंक्शन आ गया, और लीनियर फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब एक्स की वैल्यू, यानी कि हम अगर कोई ऐसा पॉइंट ले ले जब एक्स -3 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू हो गई -c+3, और ये तो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस ही होगी क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये तो कंटिन्यूअस होगा। तो -3 से नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। दूसरा केस लेते हैं केस 2, जब सी जो है वो -3 के ही बराबर हो। तो इस केस में देखते हैं कि पहले तो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स जब -3 के बराबर है तो फिर फंक्शन मॉड ऑफ x+3 है, यानी कि मॉड ऑफ -3+3, यानी कि 3+3, यानी कि 6 के बराबर एफ ऑफ -3 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अगर सी को हम -3 मान लेते हैं। तो अब लिमिट देखते हैं, अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 माइनस, कि जब अगर फंक्शन की वैल्यू -3 से कम होगी तो इसकी लिमिट क्या होगी -3 पे। तो जैसे ही फंक्शन -3 से छोटा होगा, फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं मॉड ऑफ x+3 से, यानी कि -c+3, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, अब मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ -3 तो 3 होगा, तो ये हो जाएगी 3+3, यानी कि 6 के ही बराबर। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3+f(x), यानी कि राइट हैंड लिमिट, तो जैसे ही फंक्शन 3 से बड़ा होता है, फंक्शन को हम -2x से डिफाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स -3 के बराबर, सॉरी यहाँ पे -3 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा -2 टाइम्स -3, यानी कि 6 के बराबर। तो इस केस में हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -3 पे तीनों बराबर आ गई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो -3 पॉइंट पे भी ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा।
अब थ्री पे चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे थ्री हो रहा है फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जा रही है। एक तो हमें दिक्कत था -3 पे, क्योंकि -3 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, और दूसरा फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है थ्री पे। तो आइए हम थ्री के लिए भी चेक करते हैं कि जब हमारा केस थ्री जब हमारा मान लीजिए सी जो है वो थ्री के बराबर है, तो क्या ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। तो पहले तो हम f(3) कैलकुलेट करते हैं कि फंक्शन की थ्री पे वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन जैसे ही थ्री के बराबर होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 6x+2 के बराबर, यानी कि 6 × 3 + 2 यानी कि 18 + 2 यानी कि 20 के बराबर। अब लिमिट देखते हैं, यानी कि लिमिट x→3 - लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जैसे ही फंक्शन थ्री से थोड़ा छोटा होगा हमने उसे -2x से डिफाइन किया है, यानी कि ये इस केस में f(x) की वैल्यू हो जाएगी -2x, यानी कि -2 × 3 यानी कि -6 के बराबर। अच्छा, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x→3 + f(x). तो जैसे ही फंक्शन थ्री से बड़ा होता है उसको हम 6x+2 से डिफाइन करते हैं, यानी कि हो जाएगा 6 × 3 + 2 यानी कि 20 के बराबर। लेकिन इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी। यानी कि हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे c=3 यानी कि x जब 3 के बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और लास्ट केस हमारा बचता है केस 4, जब हमारा कोई c के वैल्यू है जब वो 3 से बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही फंक्शन 3 से बड़ा होगा हमें तो एक लीनियर वैल्यू मिल गई, यानी कि जो f(c) होगा वो तो 6 × c + 2, ये तो एक लीनियर लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा ही, यानी कि c के ऊपर दिक्कत नहीं है। तो हमने सारे जहाँ जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी हमने वहाँ वहाँ पे मेन वही सारे पॉइंट्स होती हैं जहाँ पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया केस बना के। और हमने देखा कि -3 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि इसके डोमेन में ये जो फंक्शन होगा, ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।